हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बड़ा सा टॉपिक दैट इज क्वांटम नंबर्स को ख़त्म किया, आज के इस लेक्चर में हमें ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में एंड नोड्स के बारे में पढ़ना है। अब ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान देना। तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर ऑर्बिटल्स के शेप्स को कंप्लीट करेंगे और साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसके नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरे लेक्चर के अंदर हम उसको कंप्लीट करेंगे, तो ज़रा ध्यान देना इंटरेस्टिंग टॉपिक को। और वो जो है हमारा टॉपिक, दैट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा, दैट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल्स के जो शेप है उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है, तो जरा ध्यान देना बच्चों। यस, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। अब उसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, दैट इज एस ऑर्बिटल। अब मैंने आपको आगे ही बताया था कि भाई एस ऑर्बिटल जो रहता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा रहेगा? स्फेरिकल शेप। अब यहाँ पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ वहां पर उसके होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की होने की प्रोबेबिलिटी मैं जहां डॉट्स बना रहा हूं वहां पर होता है, लेकिन हम लोग ने सर्कल अंदर वाले पार्ट में ही बना दिया। क्यों? तो जहां तक प्रोबेबिलिटी 90% या उससे ज्यादा रहती है वहीं तक हम लोग सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल के बाहर प्रोबेबिलिटी 90% से कम हो जाएगी तो फिर उसको अब ऑर्बिटल वाले पार्ट में नहीं गिनेंगे। तो यहां पर ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और जो स्फेरिकल, आप इसको समझ सकते हो कि भाई ये 1s ऑर्बिटल, ये पहला ही एटम का शेल है और वहीं पर बन रहा है, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल। इसके बाद जो दूसरे टाइप का ऑर्बिटल है वो है p ऑर्बिटल। कौन सा है? p ऑर्बिटल। जरा ध्यान देना, p ऑर्बिटल में क्या होता है, तीन उसके सब ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। px, py, pz, ये तीनों तीन के मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। एक मिनट, थोड़ी सी स्पेस रखनी पड़ेगी हमें। ओके, और ये यहां पर pz बनाऊंगा मैं, x, y एंड z। जरा ध्यान देना, अब देखो ये px ऑर्बिटल है तो वो x एक्सिस के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो p ऑर्बिटल है उसके तीन सब ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो मैं उसको यहां पर स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, दैट इज px, py एंड pz, ये तीन सब ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब px ऑर्बिटल जो है उसके लोब्स px पे ही आएंगे, u, समझे आप, इसको लोब बोलते हैं, इसको लोब बोलते हैं। ये py है तो इसका लोब जो है वो इस तरह से y पे ही आएगा, u, समझे, और वहां पर वो pz है तो उसमें लोब जो है वो यहां पर uz पे ही आएंगे, समझे कि नहीं। तो ये जो ऑर्बिटल बना है ये px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है एंड ये pz ऑर्बिटल है। इतना क्लियर है आप लोग को? यस, ये px, py, pz हो गए ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद तीसरा जो टाइप है, ठीक है, वो हमारे पास है d ऑर्बिटल्स का। ध्यान देना यहां पर नंबर थ्री, दैट इज d ऑर्बिटल्स। ठीक है, नंबर थ्री कौन सा है? दैट इज d ऑर्बिटल्स। अब जरा ध्यान देना इधर, अब यहां पर ध्यान देना डी ऑर्बिटल्स के लिए। तो यहां पर इसका शेप क्या था? तो ये था डंबल। कौन सा शेप था? तो इसका डंबल शेप है, इसका स्फेरिकल शेप है। डी ऑर्बिटल्स जो रहते हैं उनका शेप रहता है दैट इज डबल डंबल। क्या रहता है? डबल डंबल।
जरा ध्यान देना, अब इसको कैसे बनाएंगे? तो ये y एक्सिस है, x ये z है, तो ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस बन गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं एक एक बना रहा हूं। अब d ऑर्बिटल जो रहते हैं उसके पांच सब ऑर्बिटल्स रहते हैं, कितने रहते हैं? पांच, एक दो तीन चार और पांच, कौन से है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, यस। अब डी ऑर्बिटल जो रहते हैं उसके पांच सब ऑर्बिटल्स बोल सकते हो रहते हैं, जिनके नाम मैंने लिखे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब डी एक्स वाई है तो ये एक्स एंड वाई के ऊपर आएगा। अब ये डबल डंबल्ड है, यानी कि यहां पर ये पूरा एक डंबल बनेगा तो ये पूरा दूसरा डंबल बन जाएगा, समझे? तो ये हो गया डी एक्स वाई। अब ये पहला टाइप था इसका, मैंने ए लिख दिया, इसके पांच है तो हमें पांच डायग्राम बनाने पड़ेंगे। इसी का बी कौन सा आएगा? तो वो है डी वाई जेड। चलो बनाते हैं, पहले हमें एक्सिस बनाने पड़ेंगे, है ना, ध्यान देना। लाइक ये जो बनेगा हमारे लिए, ये आएगा जेड एक्सिस, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। अब ये वाई जेड है तो वाई जेड का आएगा वाई और जेड के बीच में, तो आप यू ले सकते हो कि भाई ये यू वाई पे आ गया और ये यू जेड पे आ गया, समझे। फिर तीसरा टाइप लेते हैं जो हमें दिया है, दैट इज एक्स जेड, यानी कि एक्स एंड जेड के बीच में पांच बनाने हैं, ध्यान देना इधर। तो ये यू जो है ना, ये एक्सिस बन गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब एक्स जेड के बीच में तो कैसे आएंगे, जरा ध्यान से देखना, पे अटेंशन हियर। एक्स जेड कैसे आएगा? तो यू वाई के ऊपर, क्योंकि एक्स एंड जेड के बीच में वाई आता है, और एक ऑर्बिटल यू आएगा, समझे, एक लोब यू आएगा, दो लोब हो गए। तो ये बन गया डी एक्स जेड। इसके बाद क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो डी वाला है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये भी बहुत ईजी है, सॉरी, ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के ऊपर आएगा तो ये u हो गया, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो है वो dz स्क्वायर है, क्या आएगा? dz स्क्वायर x y एंड जेड। अब इसका शेप कैसा होगा तो जरा ध्यान से देखना, इस तरह से होगा, आप समझ सकते हो, कोई भी यू आपने कप एंड सॉसर लिया, नीचे ऊपर ध्यान देना यहां पर जरा। तो ये हमारे पास डी का पांचवा ऑर्बिटल है, दिस इज द फिफ्थ ऑर्बिटल, ये डी का पांचवा ऑर्बिटल, यानी कि इस तरह से डी ऑर्बिटल बनते हैं। और जो एफ ऑर्बिटल होता है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एफ ऑर्बिटल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है, ठीके? और वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं। तो ये ऑर्बिटल्स के शेप है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें ये बीच में एकदम कोई स्पेस ही नहीं, कुछ है ही नहीं, यहां पर बीच में कुछ है ही नहीं, वो पॉइंट है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, और उसी को हम लोग नोड बोलते हैं। और धीरे धीरे आप यू जाते हो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? दैट इंक्रीजेस, ओके, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यस स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो, तो यहां पर ये जो पार्ट है उसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। अब हम लोग नोड्स के बारे में, नोडल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग सब उसमें यहां पर ध्यान देना।
अभी हम लोग नोड्स एंड नोडल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। सो वी आर अटेंटिव हियर बच्चों, पे अटेंशन हियर। पे अटेंशन हियर। यस, पहली बात तो आप ये देखो कि भाई नोड क्या होता है, यानी कि ऐसा स्पेस या ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो। ठीक है, नोड किसको बोलते हैं, तो उसकी डेफिनेशन में यहां पर लिखता हूं, दैट स्पेस और पॉइंट वेर probability of finding electron is zero, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकता। एटम के अंदर वो जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अब उनकी कुछ फॉर्मूलाज है, क्या फॉर्मूला है, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय एन माइनस वन। क्या आएगा, एन माइनस वन, सम ऑफ एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड का जो सम होता है दैट इज एल, एंड रेडियल नोड्स That is n माइनस एल माइनस वन। क्या आएगा, n माइनस एल माइनस वन। अब देखो रेडियल नोड्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखना। लाइक यहां पर मैं एक एटम बना रहा हूं, ठीक है, ओके, ये हम लोग उसके एक्सिस बना देते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस है। यहां पर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, जिसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, ठीक है, अब देखो इतना जो ब्लैकिश पार्ट है वहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन ये जो स्पेस दिख रही है आपको बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ रेडियल नोड, ठीक है। और याद रखना 1s के अंदर 1s ऑर्बिटल जो होता है, यानी कि पहला शेल जो होता है उसमें कभी कोई नोड नहीं होता, ये रेडियल नोड हो गया। अब एंगुलर नोड किसको बोलते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, एंगुलर नोड के लिए पे अटेंशन हियर। लाइक हमारे पास ये, जरा ध्यान से देखना, ये एक लोब है और नीचे यू लोब आएगा, क्लियर है, क्लियर है इतना। अब यहां पर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको बीच में, ये जो पार्ट दिख रहा है पूरा, इसको बोलते हैं दैट इज एंगुलर नोड। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर नोड, और इसके अंदर कोई रेडियल नोड नहीं है, नो रेडियल नोड। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर एंगुलर नोड जो है वो एक ही है हमारे पास। एंगुलर नोड कितना है, तो वो हमारे पास एक ही है, और रेडियल नोड कितने हुए, तो वहां पर वो जीरो है, यानी कि रेडियल नोड तो इसको बोलते हैं, यहां पर कोई रेडियल नोड है नहीं। तो ये बात पे आप लोग ध्यान देना बच्चों, दिस इज द पॉइंट विच इज टू बी अटेंटिव हियर। अब देखो नॉर्मली क्वेश्चंस क्या आते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। देखो आपने एक डायग्राम देखा होगा कि भाई कोई भी अगर एटम हमारे पास होता है तो ये उसका पार्ट न्यूक्लियस होता है, फिर ये पहला शेल है, फिर ये दूसरा शेल है, फिर ये तीसरा शेल है। ऐसा नॉर्मली हमें पढ़ाया जाता है और ऐसे डायग्राम दिए जाते हैं। ये न्यूक्लियस दिख रहा है, फिर इसके बाद ये पहला शेल n इक्वल टू वन है, ठीक है, n इक्वल टू वन है, ये दूसरा शेल n इक्वल टू टू है, ये तीसरा शेल n इक्वल टू थ्री है। अब बच्चों जरा ध्यान देना, ये अब यहां पर आपको एक बीच में नोड दिख रहा है, खाली एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, रियल में ऐसा कभी नहीं होता। जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है बराबर है, अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये नोड है, बट रियल में ऐसा कभी नहीं होता।
रियल में ऐसा कोई नोड वहां पर होता ही नहीं है। ये तो डायग्राम ऐसा दिखा रहा है कि यहां पर कोई नोड है, बट रियल में ऐसा कोई नोड हो ही नहीं सकता। यानी कि रियल में जैसे ही कोई न्यूक्लियस खत्म होगा ना, तुरंत ही वहां पर क्या आएगा, ऑर्बिट आ जाएगा, यानी कि शेल आ जाएगा, और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आप समझे क्या? ये रियल की बात है, ये एक्चुअल पर्पस है, समझे कि नहीं? रियल में इस तरह से होता है। अब देखो, जैसे कि आपको कोई भी शेल बताया है, उसके लिए नोड की फॉर्मूला क्या बनेगी, तो नोड क्या बनेगा, एन माइनस वन होगा। ये टोटल नोड की बात है। अगर आपको स्पेसिफाई किया है कि भाई एंगुलर नोड कितना, तो एल के बराबर, और एल की फॉर्मूला क्या होती है, एन माइनस वन। आपको बोला है कि भाई रेडियल नोड कितने हैं, तो एन माइनस एल माइनस वन होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। आप समझे कि नहीं? लाइक आपको मान लो कि भाई आपको दिया है कि भाई 3p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितने हैं, तो 3p ऑर्बिटल को कंपेयर करो, यहां पर ध्यान दो, एनएल के साथ कंपेयर करो, जो हमने आगे के लेक्चर में किया था, बराबर कि नहीं? तब इसको कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, यहां पर एन की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, पी की वैल्यू क्या आएगी, 1 मिलेगी। अब आप करो, इसके अंदर 3p ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड्स कितने होंगे, तो ये रही फॉर्मूला, एन माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी, 3, एल की वैल्यू 1 माइनस 1, यानी कि रेडियल नोड एक ही आएगा, रेडियल नोड एक ही आएगा। और अगर इसमें आपको बोला है कि भाई यहां पर सम ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड, ये क्या, अब जरा ध्यान से देखो, अगर टोटल नोड्स बोला है तो हम क्या करेंगे, सीधा एन माइनस वन, टोटल नोड्स के लिए क्या करेंगे, सीधा एन माइनस वन कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। यही बात तो आपको समझनी है कि भाई जब भी ऐसे हमारे पास लोब रहते हैं, यू ऑर्बिटल रहता है, उसका ये जो पार्ट है जहां पर मैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, ये पार्ट पे जरा ध्यान से देखना, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। यहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, यहां पर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, लेकिन अब जैसे जैसे यहां पर ये दूर जाते हो, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। समझेंगे नहीं, क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक था नोड्स का, और ये यहाँ पर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल खत्म होते हैं। याद रखना बच्चों, ऑर्बिटल के शेप्स बहुत ज्यादा ध्यान में लिया जाता है, ऑर्बिटल्स के शेप्स एटम के प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट शो करते हैं। क्या इफेक्ट शो करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर हम इसको यहां पर छोड़ते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट हो गया है हमारे टॉपिक, और ये वीडियो को यहां पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, खास करके इसके टॉपिक में। ऐसे टॉपिक्स में क्या क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन ये आते हैं कि भाई कितने नोड्स हैं, या फिर कितने नोडल प्लेन्स हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि भाई एंगुलर नोड कौन से होते हैं, रेडियल नोड कौन से होते हैं। इसमें आपको ऑर्बिटल दिया होगा और आपको बताना होगा कि भाई कितने कौन से ऑर्बिटल होते हैं, नोड्स होते हैं। चलिए तो फिर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन आयंस के बारे में पढ़ेंगे, और अब सिर्फ मुझे मैक्स टू मैक्स 3 वीडियो लेक्चर, सिर्फ 3 वीडियो लेक्चर के अंदर, आज यस 3 वीडियो लेक्चर के अंदर मैं ये चैप्टर को खत्म कराऊंगा, फिर मैं चैप्टर नंबर 3 को शुरू करूंगा, ठीक है। नोट्स बनाना दिल से और पूरी मेहनत से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बच्चों। बाय एवरीवन।